आरएलपी का वो खौफनाक माहौल, डरावना माहौल, एकपक्षीय माहौल, ये बीजेपी के बड़े नेता एक भी क्यूसर में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। और रेवंत राम जी चुनाव लड़े, जनता को जगाई हुई मेरी आवाज थी एक ही लक्ष्य तय कर रखा कि आरएलपी को हराना। रेवंत राम जी का टिकट भी खतरे में, आप लोग भी पटक रहे हो, मैं नहीं पटक रहा हूं। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने, दलित भाइयों ने, राजपूत भाइयों ने, छत्तीस कौम ने मिलकर मुझे कहा आप बड़ी पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैंने बड़ी पार्टी का मेरे कार्यकर्ताओं का आदेश पर निर्णय लिया और मैंने खिउसर की जनता के भला के लिए और मेरी राजनीतिक रिजल्ट के लिए मैंने कांग्रेस को उचित माना। मेरी बड़ी बहन, आप सांसद थे, टिकट लेके आए थे, जयपुर में मैंने आपसे तीन बार मुलाकात की कोशिश की और उस कोशिश में आपने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं जब कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए चक्कर काट रहा था लोकसभा चुनाव 2014 में, तो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप लोग। मुझे आज समझ में आया कि ये जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आरएलपी के कहने से टिकट मांग रहा हूं, कभी कह रहे हैं आरएलपी वाले सुप्रीमो से मैंने रुपए खा लिए, इसका मतलब ये आप लोग करते हो ऐसी हरकतें, आप लोगों के खाते में है, आप लोगों का राजनीतिक जीवन यही है। मेरे को तो आरएलपी वालों ने कभी नहीं कहा, तो मैंने आज गीता की तरफ हाथ, गौ माता की तरफ हाथ, मेरी कुल देवी की तरफ हाथ करके शपथ ली, अगर आप में दम है तो जनता के सामने आप ही अपने बच्चों की तरफ, कुल देवी की तरफ, गीता की तरफ और गाय की तरफ कसम खा के कह लेना कि दुरुप सिंह ने हमारे सामने पैसे खाए, फलाने पॉइंट पर खाए, सबूत बता देना, उसी दिन मैं राजनीतिक त्याग के मेरे घर चला जाऊंगा, मेरे बीबी बच्चों को पालूंगा, खेती करके मेरा जीवन चलाऊंगा। इस तरह के झूठे अल्जाम जनता आपको इतने बड़े नेता मानते हैं। हमने तो आज तक किसी के खिलाफ कभी गंदा उल्लेख नहीं किया। 2014 में आप चाहते तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करता। मैंने आपको कहा था, मेरी बड़ी बहन, मैंने कहा था आपको कि मेरे को आप ज्वाइन करा लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मेरी गाड़ी मेरा तेल होगा, लेकिन आने वाला चुनाव, आने वाला भविष्य कांग्रेस में मेरे लिए मदद कीजिए। ये चुनाव लोकसभा की आप जीतेंगे और राजस्थान में एक सीट आएगी, आप मानने को तैयार नहीं थे। आपने अंग्रेजी में कहा था नो प्रॉब्लम, आप अपना काम कीजिए। और मुझे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा जी ने सीआर चौधरी साहब के पक्ष में ज्वाइन करने के लिए, भविष्य में मदद करने के लिए उन्होंने मेरे से मदद मांगी। कार्यकर्ताओं को, खिउसर की जनता को पूछ के मैंने निर्णय लिया और आप अपनी हट धर्मिता की वजह से कांग्रेस की आई भी सीट को खोई और 65,000 मात्र वोटों से जीत आप हारे और सीआर चौधरी साहब जीते। भूल गए आप? आपने वादा किया था ना कि अगला एक टिकट नागौर जिले में 10 विधानसभा सीट है, दो मेघवाल समाज की, पीछे बस्ती है 8 सीट, दो मुसलमानों को दी जाएगी। आपने कहा था एक सीट राजपूत समाज की बनती है, जाट राजपूत भाई भाई हैं, देश के लिए लड़ने वाली जाति हैं, गांव में निवास करने वाले दोनों भाई हैं। आपने वादा किया था ना मेरे से। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार जब मैं खिउसर की जनता के बीच में था, आरएलपी को आप अपना दुश्मन बताते हो, तो 2018 का चुनाव में जब मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा, फिर मेरा टिकट कैसे कट गया? सवाई सिंह जी चौधरी साहब को टिकट कैसे मिल गया? वो तो नागौर से मांग रहे थे। खिउसर की जनता जानती इस बात को, मेरे हाथ से टिकट छीनने का काम भी आप और एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नागौर जिला के दोनों ने मिलकर किया, क्योंकि आप जयपुर दिल्ली में एक साथ बैठते हो, क्षेत्र के अंदर अलग अलग पार्टी की राजनीति करते हो। और मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरी वजह से आरएलपी जीतती है, तो आज मेरे इस बात का जवाब चाहिए मुझे, जनता के सामने मुझे गुमराह करना, मेरे खिलाफ झूठ रचना छोड़ दीजिए, जवाब दीजिए मेरा बात का। 2018 में सर्वविदित है, इन तमाम षड्यंत्रों और कलंकों से बचने के लिए मैंने चुनाव छोड़ा मैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी थी, ताकत झोंकी थी आप लोगों ने। मैं पूछना चाह रहा हूं हिला मार के आप लोगों को, फिर 18,000 वोटों से आप आरएलपी से कैसे हार गए? कांग्रेस का टिकट भी था, मजबूत प्रत्याशी भी था, आप जैसे बड़े नेता उनके लिए ताकत लगा रहे थे,
फिर क्यों आ गए? मैं तो मेरे घर बैठा था। 2019 का उपचुनाव आया, हरेंद्र जी मिर्दा जो हमारे नागौर जिले के बड़े नेता, मैंने टिकट मांगा। आपकी नियत में नहीं थी कि मुझे टिकट मिले। 2018 में हरेंद्र जी के पक्ष में आप और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और 2-3 बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस में आइए, आपका भविष्य है, हम आपकी मदद करेंगे, काम कीजिए। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं नेताओं को और क्यों सभी जनता को, मैंने आरएलपी को हराने के लिए फिर दूसरी बार चुनाव छोड़ा, पूरी ताकत के साथ, वफादारी ईमानदारी के साथ, इसलिए लगा कि आप लोगों ने मुझे वादा किया था कि आपका भविष्य कांग्रेस में, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके गांव में आप कैसे आ गए? कुचेरे की जनता ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, उसी गांव में आप लोग कैसे हार गए? 4000 से आरएलपी से कैसे हार गए? अल्जाम मेरे पे लगा रहे हो, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और खींचर की जनता और मेरे उन प्रिय साथियों को कहना चाहूंगा जो मेरे से रुष्ट हुए बैठे हैं, मैं 2-2 चुनाव छोड़े, कोई छोड़ सकता है क्या? कोई नहीं छोड़ सकता। मैंने छोड़े इसलिए कि आरएलपी को हराने के लिए मैंने पूरी ताकत और विचारधाराओं के खिलाफ लड़ रहा हूं। ये आज मेरे पे आरोप लगा के क्यों सर में भाषण दे रहे हैं जोशी ले, मैं पूछना चाह रहा हूं, आरएलपी का वो खौफनाक माहौल, डरावना माहौल, एकपक्षीय माहौल, ये बीजेपी के बड़े नेता एक भी क्यों सर में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। जो भी पार्टी उसे चुनाव लड़े लड़के गए, वापस जनता के बीच नहीं आए। आज जब उस डरावने माहौल को मैंने खत्म किया, जनता को मैंने जगाया, जवानी और पैसा मैंने लगाया, जनता को जगाने के बाद जब आज आपको मजा आने लगा तो क्यों सर में खड़े होकर भाषण देके मेरे पे आरोप लगा रहे हो? आरएलपी को तो आप खुद नहीं हराना चाहते, आरएलपी से आप मिले हुए क्यों? क्योंकि आपकी नीति हमेशा यह करती है कि मेरे अलावा कोई नहीं जीते। रेवंत राम जी डांगा एक किसान का बेटा, सामान्य परिवार से, सरपंच से सीधा प्रधान बने और रेवंत राम जी चुनाव लड़े, जनता को जगाई हुई मेरी आवाज थी, एक ही लक्ष्य तय कर रखा कि आरएलपी को हराना। उस आवाज के साथ जब जनता रेवंत राम जी के साथ गई तो अब रेवंत राम जी का टिकट खतरे में कैसे पड़ रहा है? बट और किंतु क्यों आ रहा बीच में? क्योंकि किसी किसी की नीयत खराब है। दिल्ली में जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, रेवंत राम जी का टिकट भी खतरे में, आप लोग भी पटक रहे हो, मैं नहीं पटक रहा हूं। दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूं, 2019 का उपचुनाव आया, उन 2019 का उपचुनाव, 19 के उपचुनाव में मैडम खींचर के मेरे कार्यकर्ता सब, प्रत्येक को प्रमाण की जरूरत नहीं,